अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं और बीते दिनों उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन सोमवार को फिर एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव जीत गया। अब इससे ये बात तो साफ होती है कि ट्रंप प्रशासन आसानी से जो बाइडेन और कमला हैरिस के नए प्रशासन को सत्ता हस्तांतरित करना नहीं चाह रही है। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रंप भविष्य की सरकार की मुसीबतें बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। दरअसल एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि ट्रंप ने बीते हफ्ते ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के विकल्पों पर सोचने के लिए कहा था, कि बाद में यह नाटकीय कदम उठाने से उन्हें रोक दिया गया। अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से जुड़े अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक में ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का निवेदन किया था। साथ ही इस बैठक में उपराष्ट्रपति माइक पेंस, उनके नए रक्षा सचिव क्रिस्टोफर मिलर और चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल मार्क मिल मौजूद थे। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा कि उन्होंने विकल्पों के बारे में पूछा था तो अधिकारियों ने उन्हें मौजूदा हालात की जानकारी दी, फिर फैसला हुआ कि इस पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। वही अंग्रेजी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बात को प्रकाशित की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप को अधिकारियों ने ऐसा कुछ करने से रोका क्योंकि इससे दोनों देश के बीच विवाद का दायरा और ज्यादा बढ़ जाता। वहीं अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार चाहे मिसाइल अटैक हो या फिर साइबर, यह नटजान पर केंद्रित होगी। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बुधवार को रिपोर्ट दी थी कि ईरान के यूरेनियम भंडार अब परमाणु समझौते के तहत अनुमति से 12 गुना बढ़ चुके थे। एजेंसी ने यह भी कहा कि ईरान ने किसी अन्य संदिग्ध जगह तक जाने नहीं दिया जहां पर देश में परमाणु पर चल रहे काम के इतिहास की जानकारी हो सके। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि दफ्तर के आखिरी दिनों में ऐसा कोई भी हमला प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के साथ ईरान के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर सकता है। साथ ही बाइडेन ने सत्ता में लौटने के बाद साल 2015 में की गई ईरान न्यूक्लियर डील को दोबारा से लागू करने का वादा किया है, जिसके तहत ट्रंप सरकार में ऐसा कोई भी हमला उनके इस मंसूबे पर पानी फेर सकता है। तो पीपल्स, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो को खत्म। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर अपनी राय दें। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।